मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों को मुनाफा देने वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है। बड़ी संख्या में किसान इस व्यवसाय से जुड़कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है। मनोहर सरकार भी मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% एक सब्सिडी देती है, जिससे प्रदेश के किसान अब मधुमक्खी पालन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो चलिए, मधुमक्खी पालन करने वाले यमुनानगर के किसान सुभाष से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करने वाले सुभाष कंबोज को मधुमक्खी पालन का ऐसा जुनून चढ़ा कि कभी 6 बॉक्स से कारोबार की शुरुआत करने वाले सुभाष कंबोज आज करोड़ों का बिजनेस कर रखे हैं, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। आज के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार भी किसानों को अनुदान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज बेशक पारंपरिक खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके फसलों की अच्छी पैदावार के साथ हनी प्रोडक्शन से अच्छी आय ले रहे हैं। यमुनानगर के गांव हाफिजपुर के सुभाष कंबोज ने बताया कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग किस्म के शहद तैयार कर रहा है, जैसे अजवाइन का शहद, नीम का शहद, आंवले का शहद, लीची का शहद, कई प्रकार के शहद तैयार करता है। किसान सुभाष कंबोज का कहना है कि सरकार की तरफ से भी इसके लिए समय समय पर सहयोग और अनुदान मिलता रहता है। वैसे तो एक प्राइवेट जॉब करता था स्कूल में, फिर मैंने ये मधुमक्खी के सिर्फ 6 बॉक्स अपने खेतों में सिर्फ शहद खाने के मकसद से और हमारे खेतों की पोलिनेशन हो जाए उसके मकसद से मैंने ये रखे थे। फिर ये धीरे धीरे जब मैंने देखा ये बॉक्स भी बढ़ रहे हैं, मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और शहद भी मिल रहा है। जितना मैंने मधुमक्खियाँ ली थी मोल 5500 रुपये की, उतना मैंने उस साल शहद भी बेच दिया था और मधुमक्खियाँ बढ़ी थी वो अलग थी। तो मैंने फिर इसी काम को आगे बढ़ाने का ही सोचा और मैं धीरे धीरे इस काम को बढ़ाता गया और आज 27 साल के बाद मैं इस मुकाम पे हूँ कि ना मैं सिर्फ अपने परिवार का बल्कि मेरे पास जो भी दूसरे 15-16 जो फार्मर हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, हमारा जो ग्रुप है, उनको भी मैं अब साथ लेकर के चलता हूँ। और मैंने बहुत प्लेटफार्म पे 2008 के बाद से बहुत जगह प्लेटफार्म पे मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है फार्मर्स को। मैंने कई जगह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग दी है नवयुवकों को, ताकि उनको भी एक प्रेरणा मिले मुझे देख करके, उनको भी हौसला हो कि मैं भी एक छोटे से लेवल से काम शुरू करके आज मैं इस मुकाम पर हूँ। किसान सुभाष आज मधुमक्खी पालन करके खुद भी मालामाल हो रहा है, तो वहीं कई किसान परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किसान की मन की बात कार्यक्रम में तारीफ तक कर चुके हैं। 31 जुलाई 2022 को फिर मन की बात में मेरे तारीफ की गई और मेरी प्रधानमंत्री ने एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाई थी, जिसमें जिक्र किया था कि मैंने सिर्फ 6 बॉक्स से काम शुरू किया था और आज मैं जो है लगभग 4 से 5 करोड़ का जो शहद है वो डोमेस्टिक मार्केट में खुद ही मार्केटिंग करता हूँ। तो इस तरह मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी प्रधानमंत्री ने सुनाई थी और इस तरह मेरी मन की बात में 2 बार प्रधानमंत्री मेरे जिक्र कर चुके हैं। मनोहर सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग तो खुद किसानों को मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और किसानों को हर संभव मदद भी सरकार की ओर से दी जा रही है। आज प्रदेश के अनेकों किसान ऐसे हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन को अपनाया और लाखों और करोड़ों की कमाई बड़े आराम से कर रहे हैं। देखिए, मधुमक्खी पालन अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें यदि कोई बीकीपर इंटरेस्ट के साथ इस काम को करता है तो खाली उसका पालन पोषण तो बढ़िया होता ही होता है, इसके अलावा जो बागवानी की या दूसरी फसलें उसमें जो उपज का जो इजाफा होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब बिना किसी किसान की एक्स्ट्रा मेहनत के उसकी पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो मधुमक्खियाँ जो परागीकरण करती हैं वो उसके कारण उसका जो उत्पादन है, उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। वैसे तो मधुमक्खियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एक मधुमक्खी ऐसी है जिसको किसान पाल सकते हैं, उसको एज ए अपना एक बिजनेस चूज कर सकते हैं और उस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को और अपने परिवार को कहीं अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो इटालियन बी है उसमें
किसान इसका पालन करते हैं, और जो किसान मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं उसमें विभाग की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। और सब्सिडी देने से पहले जो कि सबसे जरूरी है कि किसान की ट्रेनिंग कराई जाती है मधुमक्खी पालन की। 5 दिन की ट्रेनिंग का कोर्स रहता है जो कि हमारे IBDC रामनगर कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कराई जाती है। बिल्कुल मुफ्त है किसान के लिए वो ट्रेनिंग। वहाँ पे 5 दिन उसका रहना खाना और उसके आने जाने का जो किराया है बस का, वो भी किसान को सरकार द्वारा दिया जाता है। 5 दिन की उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद जब वो सक्षम हो जाता है कि वो मधुमक्खी पालन का काम कर सकता है और वो हरियाणा का निवासी है, तो सरकार उसको 85% अनुदान देती है। हॉर्टिकल्चर विभाग का कहना है कि जो किसान मधुमक्खी पालन का काम करते हैं उनको सरकार की ओर से 85% सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई किसान मधुमक्खी खरीदना चाहता है तो 75% सब्सिडी उस पर दी जाती है। किसानों के लिए खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना काफी फायदे का सौदा बन रहा है। वो डब्बे मिल जाते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, तो उसको मक्खियां परचेज करनी पड़ती है, जो कि हरियाणा में जो भी बी ब्रीडर रजिस्टर्ड है उनसे किसी से भी किसान ले सकता है, और उस पे भी जो सरकार जो है सब्सिडी 85% के रूप में 85,000 रुपये की सब्सिडी किसान को मिलती है, और जो उस पर खर्चा आता है लगभग 300 रुपये पर फ्रेम का खर्चा आता है, और एक जो कॉलोनी होती है उसमें लगभग 8 फ्रेम डलते हैं, तो 2400 रुपये पर बॉक्स हम कह सकते हैं कि उस पर खर्चा आता है, और 50 बक्सों पे लगभग 1,20,000 रुपये का कुल खर्चा आता है मक्खियों पे, और उस पर भी 85,000 रुपये की अलग से सब्सिडी किसान को मिलती है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए जो भी इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं उन इक्विपमेंट पे भी सरकार 75% सब्सिडी देती है। तो जो भी, चाहे वो हनी निकालने की मशीन है या फिर पोलन ट्रैप है, बोतलें यदि कोई किसान पैक करना चाहता है उन पे भी सब पे अपना 75% सब्सिडी किसान को मिलती है। इसके साथ साथ कुछ सुविधाएं और हैं जो बागवानी विभाग किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए देता है। जैसे जो मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है, किसी के पास 50 बॉक्स हैं या 60 बॉक्स या 100 बॉक्स हैं, उसके लिए वो अपना एक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा पाता है, तो बागवानी विभाग ने एक ऐसा सेंटर स्थापित किया है कुरुक्षेत्र में जिसको कि हम IBDC रामनगर के नाम से जानते हैं, और ये शाहबाद और पीपली के बीच में बिल्कुल हाईवे पे है ये सेंटर। और वहाँ पे किसान जो शहद वो अपना तैयार करेंगे, इकट्ठा करेंगे कॉलोनियों के माध्यम से, उसको वहाँ पे ले जाके प्रोसेस करा सकते हैं, उसको बोतलों में पैक करके उसको अपनी ब्रांड के साथ उसको सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है, और वहाँ पे टेस्टिंग की भी सुविधा है। रिसेंटली एक वहाँ पे हनी ट्रेड सेंटर वहाँ पे खोला गया है IBDC रामनगर कुरुक्षेत्र में, और उस हनी ट्रेडिंग सेंटर में किसान अपने हनी को लेके जाएं, वहाँ पे विभाग उसकी टेस्टिंग कराता है, और टेस्टिंग करा के जो भी रिटेलर हैं या जो एक्सपोर्टर हैं उनको वहाँ पे इन्वाइट करता है, और वो उस हनी को क्वालिटी के आधार पे वहाँ पे परचेज करके विदेशों में या रिटेलिंग के माध्यम से सेल कर सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो बी कीपर को एक अच्छा दाम मिल पाएगा, और जो रिटेलर है या जो एक्सपोर्टर है उसको एक उच्च गुणवत्ता का शहद वहां से मिल पाएगा। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर कुछ 1,000 रुपए तक का खर्च आता है, और बाकी पैसा किसानों को सब्सिडी के तौर पर हरियाणा सरकार देती है। मधुमक्खियों की संख्या भी हर साल बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा मधुमक्खियां बढ़ेंगी उतना ज्यादा ही शहद उत्पादन भी होगा, और मुनाफा भी कई गुना बढ़कर लाखों का हो जाएगा। मनोहर सरकार का तो प्रयास ही है किसानों की आय को 2 गुना करना, जो मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों का बखूबी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसानों की उन्नति ही देश की प्रगति है, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों ने परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर आधुनिक खेती पर बल देना शुरू कर दिया है, जिससे छोटे बड़े सभी किसानों को सालाना लाखों रुपए की आमदनी हो रही है और उनकी हालत सुधर रही है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।